हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं हूं हैंस शाह। मैं पब्लिक स्पीकिंग एक्सपर्ट हूं और सर्टिफाइड ट्रेनर हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी स्पीच की शुरुआत करने से पहले ही लोगों को कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, हम बहुत बार देखते हैं कि 99% ऑफ केसेस के अंदर लोग अपनी स्पीच की शुरुआत पुराने तरीकों से करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम स्टूडेंट्स को देखते हैं तो स्टूडेंट अपनी स्पीच की शुरुआत कैसे करेंगे? रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। नो फ्रेंड्स, कम आउट ऑफ दिस जोन। आपको अपनी स्पीच की शुरुआत कुछ नए तरीकों से करनी होगी। हम एक एग्जांपल लेते हैं स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद ने जब अमेरिका के शिकागो में अपनी स्पीच दी थी, तब अपनी शुरुआत कैसे की थी? माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, इतना कहने के बाद 2 मिनट तक तालियों की आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा था। दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आपकी स्पीच की शुरुआत कुछ नए तरीकों से कीजिए, जिससे ऑडियंस आपकी स्पीच को सुनने में कुछ इंटरेस्ट दिखाए। दोस्तों, बहुत बार ये होता है कि जब हम स्पीच दे रहे होते हैं, तब उस प्लेस के अंदर बहुत सारे गेस्ट बैठे होते हैं और हम सारे गेस्ट का नाम लेते हैं और उसके बाद हमारी स्पीच की शुरुआत करते हैं। लेकिन जब हम इन लोगों का नाम लेते हैं, तब तक हमारी ऑडियंस बोर हो चुकी होती है। सपोज कि 10 लोग स्टेज के ऊपर बैठे हैं, तो हम 10 लोगों का नाम लेंगे, तब तक ऑडियंस एक दूसरे के चेहरे को देखती है, कोई ऑडियंस कमेंट पास करते हैं, कोई ऑडियंस क्रिटिसाइज करते हैं, कोई कोई ऑडियंस ऐसी भी होती है कि जो पिछले स्पीकर्स गए हैं उनके लिए अपना ओपिनियन बना रहे होते हैं, कोई ऑडियंस ऐसी भी होती है कि उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव उनको मिल जाते हैं तो वहाँ पर चले जाते हैं, उनसे बात करने के लिए चले जाते हैं। सो ऐसा ना हो, इसके लिए अपनी स्पीच के दरमियान बहुत लिमिटेड लोगों के नाम बोले और अगर पॉसिबल है तो सिंपल एड्रेस के साथ स्टार्ट करें और लोगों के नाम को स्कीप कर दें। दोस्तों, होता ये है कि अगर आप इन लोगों के नाम बोलते हैं और अगर आपने अपना पहला सेंटेंस स्पीच का शुरू नहीं किया है, तब तक आपकी स्पीच शुरू नहीं होती है, आपको ऑडियंस इंटरेस्ट के साथ नहीं सुनेगी। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब हम स्पीच को दे रहे होते हैं, तब लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं और कई बार तो स्पीच शुरू करने से पहले ही जब हम स्टेज के ऊपर जाते हैं तो लोग इंटरनली बात कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? तो उस वक्त आपको अपनी स्पीच की शुरुआत नहीं करनी है, आपको 5-6 सेकेंड तक पोज लेना है, उन लोगों को सिर्फ देखना है। जब आप कुछ नहीं बोलेंगे, आपका साइलेंस उनको समझा देगा और वो लोग अटेंशन के साथ आपकी स्पीच को सुनेंगे। सो आपको 5-6 सेकेंड तक कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ साइलेंस के साथ ऑडियंस को देखना है। जब आप अपनी स्पीच को देने जा रहे हैं, तब अपनी स्पीच को शुरू करने से पहले एक बार सारी ऑडियंस को एक स्माइल के साथ देख ले। जब आप स्माइल के साथ उनको देखते हैं तो उनमें भी एक फ्रेंडली एक बिहेवियर आता है, वो लोग आपको एक फ्रेंड की नज़र से देखते हैं ताकि आपकी पूरी स्पीच के दरमियान वो लोग अटेंशन के साथ सुन सके। जब आप स्पीच देने जाते हैं तो अपनी स्पीच को शुरू करने से पहले एक बार जितनी भी ऑडियंस बैठी है उन सारी ऑडियंस को देख ले। इससे होगा क्या, जब आप सारी ऑडियंस को देख लेते हैं तब आपकी ऑडियंस ऐसा फील करते हैं कि आप बहुत कॉन्फिडेंट स्पीकर हो। दूसरी बात, जब आप नर्वसनेस फील कर रहे हैं या आप जब स्टेज के ऊपर जा रहे हैं तब आप फियर फील कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? तो उस वक्त आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। अगर आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो ऑक्सीजन आपके लंग्स तक जाएगा और ये ऑक्सीजन आपके ब्लड सप्लाई को बढ़ा देगा और आपके दिमाग तक, आपके ब्रेन तक ज़्यादा ब्लड पहुंचेगा, जिससे आप कंफर्टेबल फील करेंगे और अच्छे से स्पीच डिलीवर कर पाएंगे। सो दोस्तों, ये थी कुछ टिप्स कि जिसको फॉलो करके आप अपनी स्पीच को शुरू करने से पहले ही लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप अपनी कॉमेंट्स भी कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड दोस्तों, शेयरिंग इज कैरिंग। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी ये टिप्स मिलती रहे। आप मेरी YouTube चैनल हैंस शाह को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको मेरी नई वीडियोस मिलती रहे। मैं मेरे वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज़ करता हूँ। अगर आप मेरे वर्कशॉप्स को अटेंड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड दोस्तों, फिर मिलेंगे एक पब्लिक स्पीकिंग के नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।